गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी में। फ्रेंड्स, आज के शाम के ब्रेकफास्ट में हम बनाने वाले हैं चाउमीन, जिसके लिए मैंने लिया है शिमला मिर्च, कटा हुआ गाजर, मैंने गाजर को इस तरीके से कट किया है, और मैंने पत्ता गोभी लिया है, प्याज लिया है, एक दो हरी मिर्च मैंने कट किया हुआ है, और मैंने यहाँ ग्रीन प्याज लिया है जो अभी के मार्केट में मिल रहे हैं, और मैंने यहाँ कुछ नूडल्स लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक फ्राई पैन में पानी रखा है गर्म होने के लिए, और इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच नमक। फ्रेंड्स, हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे नूडल्स को। मैंने सभी नूडल्स को इसमें डाल लिया है, अब इसे हम बॉयल करेंगे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे। और यहाँ मैंने कढ़ाई को रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो रहे हैं, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे तेल, हमने इसमें 2-3 मिर्ची डाला है। अब ऐड करेंगे हम प्याज, प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे सॉफ्ट कर लेना है थोड़ा सा, हमारा प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड करेंगे गाजर, प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम ऐड कर रहे हैं गाजर। गाजर को हम 5 मिनट तक सॉफ्ट करेंगे। गाजर थोड़ा हार्ड होता है, इसके लिए इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे नमक, इससे कि हमारा गाजर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, मुड़ जा रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, इसे भी थोड़ा हम पका लेंगे, हमें इसे भी ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें हल्का ही बस इसे सेकना है। फ्रेंड्स, हमारा नूडल्स भी बॉयल हो चुका है, आइए इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह का छन्नी में, और इसे हम छन्नी में निकाल के इसे ठंडे पानी से वॉश करेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं पत्ता गोभी, अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन प्याज, और इसे हमें बस लो फ्लेम पे रखना है, थोड़ा थोड़ा इसे पकाना है। फ्रेंड्स, मैंने इसे ठंडे पानी से वॉश कर लिया है, ये बिल्कुल अलग अलग हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं। हमें ये सब्जी को 2-4 मिनट और भूनना है। फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को हाफ फ्राई कर लिया है, अब हमें इसे और नहीं भूनना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नूडल्स,
मैंने यहाँ नूडल्स और सब्जी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे डार्क सोया सॉस 2 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस 2 चम्मच और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है। हम इसे मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम ऊपर से ऐड करेंगे चौमिंग हक्का नूडल्स मसाला। फ्रेंड्स, हमारा चौमिन बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें सबसे लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा ग्रीन प्याज। आइए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।